ओके सो पीपल वी वे कंटिन्यूइंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक्चुअली मस्क्यूटो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ठीक है। नीदर हाउस फ्लाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप खुली आंखों से देख सके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसमें हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर वी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो भाई साहब आपका हाउस फ्लाई नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपका मस्क्यूटो नहीं है, सो वाई आर वी स्टडिंग दिस इन दिस चैप्टर। वो डिजीज कैरियर्स हैं ठीक है, दे कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दीज बेसिकली आर कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे क्या है यार, सो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके हाउस फ्लाइज ठीक है, हाउस फ्लाइज या आपके मस्क्यूटोस। हाउस फ्लाइज और मस्क्यूटोस आर व्हाट, डिजीज कैरियर्स ठीक है, ये डिजीज को कैरी करते हैं, दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है। और इन डिजीज कैरियर्स में होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, समझ में आ रही है? सो इनको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ठीक है। सो मस्क्यूटोस देखो, आपको मैंने कल बोला था कि ये स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पे भी पानी जमा होता है वहाँ पे मस्क्यूटोस आते हैं। आप अगर बॉम्बे साइड में जाओगे ना तो यहाँ पे तो हमारा जैसे सिडको है, वहाँ पे बीएमसी है, ये बीएमसी वाले क्या करते हैं ना, घर पे आते हैं आपके ठीक है, घर पे आते हैं और देखते हैं कि आपके घर में जो भी बाल्टी है या जो भी टंकी है वो खुला है या बंद है। अगर आपके घर में जो बाल्टी या टंकी है वो खुला है, आपके घर में आपके पानी को स्टोर करने के लिए वो 200 रुपये का फ़ाइन मार देंगे, हर बाल्टी पे 200 रुपये फ़ाइन। क्यों होता है ये, एनीवन अंडरस्टैंड्स व्हाई? खुली हुई बाल्टी पे, मतलब आपके जो बाल्टी होंगे जिसमें आपने पानी भर के रखा है वो बंद होनी चाहिए, दैट शुड बी कवर्ड। इफ इट इज़ ओपन दे विल फाइन यू। वो आएंगे घर में, आपके बाथरूम में जाएंगे, देखेंगे अगर बाल्टी खुला है तो सीधा फाइन मार देंगे। व्हाई? आपका जो भी बाल्टी समझ लो ऐसा खुला हुआ बाल्टी है और यहाँ पे आपका क्या है, आपके खुला हुआ सरफेस है पानी का, यहाँ पे मस्किटोज क्या करेंगे, अपने अंडे देंगे ठीक है, दे विल बेसिकली ले देयर एग्स। और ये जो, तो आप बोलेंगे भाई साहब मेरे घर में बच्चे दे रहे हैं तो मुझे ही काटेंगे ना, नहीं वो तो भाई साहब पूरे दुनिया को काटेंगे ना। ये जो मस्किटोज यहाँ पे हो रहे हैं दे विल स्प्रेड डिजीज एंड दे विल बाइट एवरीवन। ऐसा तो नहीं कि आपके घर के लोग या आपके घर के फैमिली के लोगों को काटेंगे, वो तो सबको काटेंगे है ना। सो दे विल बी ब्रीडिंग साइट्स फॉर मस्क्यूटोस एंड हेंस यू विल बी फाइंड। तो आपका जितना भी स्टैगनेंट वाटर होता है उसमें मस्क्यूटोज अपने एग्स ले करते हैं, फ्लोइंग वाटर पे वो अपने एग्स नहीं ले कर सकते। जैसे रिवर है, रिवर का वाटर फ्लोइंग है, सी है, सी में अपना एग्स नहीं ले कर सकते वो। जो भी स्टैगनेंट वाटर रहता है, जैसे आपका हो गया पॉन्ड्स ठीक है, पॉन्ड्स, देन वी हैव लेक्स ठीक है, देन वी हैव लेट्स से वेल में फिर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता सकते हो? क्योंकि गांव के, हाँ मोटर क्या चालू हो सकती है, हाँ मोटर चालू हो सकती है, जो वेल यूज़ में हो उसमें कभी मच्छर नहीं आएंगे ठीक है। जिसमें से आप पानी कंटिन्यूसली निकाल रहे हो ठीक है, जिसमें से आपने मोटर, जैसे इन्होंने बोला गांव के एरिया में जो वेल होता है उसमें से मोटर चालू करते हैं हम ठीक है, तो उसमें मच्छर नहीं होंगे ठीक है। लेकिन अगर वेल ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसमें से कोई पानी नहीं निकाल रहा है तब उसमें मच्छर होंगे ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई साहब ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल ठीक है, बाल्टी में पानी भरा हुआ इसमें भी ठीक है। आप जैसे सिडको वालों को देखते हो ना, वो छिड़कते हैं, वो करते क्या है एक्चुअली, ये जो पानी का जो सरफेस होता है वो ऐसा तना हुआ है ठीक है, उसमें ये अंडे फ्लोट कर रहे हैं वो, और ये पानी के सरफेस को ऑयल क्या कर देता है, ढीला कर देता है। तो ये जो आपके अंडे हैं वो टपक से नीचे चले जाते हैं, और एक बार अंडे नीचे चले गए तो दे विल बी डिस्ट्रॉयड ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी लाइफ। क्लियर है ये ठीक है। इसीलिए वो ऐसे आते ना, देखो उनके पीछे एक सिलेंडर होता है, ऐसे मारेंगे और फिर जाते रहेंगे ठीक है। ये अभी बरसात का सीजन है तो ये करते रहेंगे ये ठीक है। एनी क्वेश्चंस पीपल हैव अबाउट दिस? तो मस्क्यूटोस ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ओके, आपके घर पे क्या करेंगे आप? आपको पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी, बाल्टी में आप पानी भरेंगे भाई साहब, तो करेंगे क्या इसको, कवर करेंगे। यू विल बेसिकली डू व्हाट, यू विल कवर इट ठीक है। और क्या करेंगे, आपके आजू बाजू जो भी गड्ढे गुड्ढे हैं उनको भर देना है ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं जमा होने देना है। खाड़ी में जो पानी है उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपके आजू बाजू पानी तभी जमा होता है जब वाटर लॉगिंग होती है। अभी आप देखोगे ये रास्तों में वो काम चल रहा होगा, देखो जी मैं ये गैस पाइप का कनेक्शन का काम नहीं बोल रहा हूँ, वो उसको हटाते हैं,
उसमें से पूरी मिट्टी को निकालते हैं ऊपर, देखो क्यों करते हैं ऐसा, व्हाई डू दे डू दैट? सीवेज चोक ना हो जाए। अच्छा, सीवेज चोक ना हो जाए। सीवेज कैसे चोक होगा? सीवेज नहीं है वो सीवेज नहीं है, जहाँ से वो मिट्टी निकाल रहे वो सीवेज नहीं है। वो सीवेज कब बनेगा? जब बरसात का सीजन होगा, तो बरसात के सीजन में पूरा पानी उसके अंदर जाएगा, तब वो सीवेज बन जाएगा। और वो अगर चोकअप हो गया तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो गया तो अगेन मच्छर होंगे, ठीक है? तो मच्छर, तुमको मालूम है जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, क्या क्या एनिमल्स हैं जो किलर एनिमल्स हैं, ठीक है? स्नेक्स हो गए, ठीक है, जो हमारी जान ले सकते हैं, लेपर्ड्स हो गए, ठीक है, टाइगर्स हो गए, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियन से मरेगा नहीं इंसान। किसने बोला स्कॉर्पियन? किसी को मरते देखा है क्या स्कॉर्पियन से? मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा, हो सकता है मर जाए, अगर दो तीन स्कॉर्पियन ने एक साथ काट लिया तो हो सकता है मर जाए, लेकिन चलिए मान लेते हैं स्कॉर्पियन। और कुछ, और कुछ जानलेवा जो लोग हैं, दे कैन टेक आर लाइव्स, लायन, चलो भाई साहब लायन। और कुछ जितने भी एनिमल्स हैं हमारे आजू बाजू जो हमारी जान ले सकते हैं, सबसे बड़ा जानलेवा कौन है मालूम है? मस्क्यूटोस, ठीक है? आप समझ भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा सा, सबसे ज़्यादा इंसान अपनी जान इस पे गवाता है, मस्क्यूटो। इट इज़ द बिगेस्ट कैरियर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, ठीक है? और एक और बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होता है, एनीबडी नोज अबाउट इट? मस्क्यूटो के बाइट से और एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होता है, डेंगू तो हो गया ना, फीमेल एड्स मस्क्यूटो से होता ही है, ठीक है? फीमेल एड्स मस्क्यूटो से होता है, एड्स मस्क्यूटो होती है। और क्या होता है भाई साहब आपका? एक और मस्क्यूटो जिससे मलेरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, फीमेल एनोप्लॉइस, ओके। और बोलो, और एक और डिजीज़ होता है बहुत ख़तरनाक, तुमने वो हाथी पैर देखा है किसी का? किसी किसी का पैर देखो ऐसे फूल जाता है, देखो ऐसे ढोल हो जाता है, ठीक है? ये भी मस्क्यूटो बाइट से होता है, ये भी मस्क्यूटो बाइट से होता है। मस्क्यूटो एक टाइप का होता है, फिलेरेसिस होती है उसमें, ठीक है? ये क्या है, मच्छर है या मक्खी? ठीक है, इसको हम फिलेरेसिस बोलते हैं, फिलेरेसिस बोलते हैं। ये अगर काट लेगा तो आपका मतलब किसी का भी पैर ऐसे फूल के ढोल हो जाएगा, ठीक है? और वो एक मतलब परमानेंट हैंडीकैप में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है? बहुत तकलीफदायक चीज़ है ये, ठीक है? सो बहुत डेंजरस डिजीजेज आपके हो सकते हैं, ठीक है? डेंगू तो भाई साहब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, अगर इफ़ नॉट प्रिपेयर्ड नो ट्रीटेड ऑन टाइम। मलेरिया इज़ ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, और अनफॉर्चुनेटली इनका वैक्सीनेशन नहीं है, वी डू नॉट हैव वैक्सीनेशन फॉर देम। इनका सिर्फ पोस्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो इसीलिए मस्क्यूटोज आर वेरी वेरी डेंजरस एंड दे आर द बिगेस्ट किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है? सबसे बड़ा ह्यूमन बींग्स का अगर हानि कोई पहुंचाता है, कोई एनिमल जो उनकी जान ले सकता है, वो है मस्क्यूटोस, ठीक है? एक बूंद खून आपसे लेंगे लेकिन बदले में इतना भयंकर डिजीज ट्रांसफर कर देंगे कि उससे इंसान की मौत हो सकती है, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्श्योर दैट वाटर इज नॉट पाइलिंग अप और गेटिंग स्टैग्नेंट इन एंड अराउंड आवर होम्स, ठीक है? हमारे आजू बाजू जो है तो वाटर पाइलअप नहीं हो रहा, ठीक है? और अगर हो भी रहा हो तो क्या करोगे? अगर हो भी रहा हो तो क्या करोगे, समझ लो भाई साहब? हाँ, रास्ते पे जो पानी जमा हो रहा है उसका क्या करोगे? लेकिन फिर भी होगा ना भाई साहब, पत्थर डालोगे तो भाई साहब लोगों को जाने आने में तकलीफ होगी, फिर क्या करोगे? कैसे भरेगा? नहीं, कैसे भरेगा? चलो भरने का ऑप्शन नहीं है, कुछ कुछ गड्ढे ऐसे होते भाई साहब इनको भर नहीं सकते आप, कैसे करो, क्या करोगे फिर? हाँ, व्हाट विल यू डू? अरे अभी तो मैंने आपको बोला सिटको वाले क्या करते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा केरोसिन डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा अगर केरोसिन पेट्रोल ये सब डाल देंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो अंडे डूब जाएंगे, ठीक है? वो अंडे डूब जाएंगे, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि पानी चला जाएगा, पानी तो रह जाएगा वहाँ पे, लेकिन उस पानी पे मच्छर अपने अंडे अगर ले भी करेगा तो वो डूब जाएगा और डूब के सड़ जाएगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीड, ठीक है? और एक बार में मस्कीटोज हज़ारों अंडे ले करते हैं, तो देर आर मेनी मस्कीटोज दैट, और आप देखोगे बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा मस्कीटोज बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है? क्लियर है? ओके, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर, कहीं पे भी वाटर को कलेक्ट मत होने दो, ठीक है? कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, ठीक है?
तो टायर्स में वाटर का कलेक्ट होना, ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ पे मच्छर आराम से अपने अंडे दे सकता है। ठीक है, आपका समझ लो ये एक टैंक है, उसमें आपने वाटर ऐसे यहाँ पे ऐसे वाटर सीपेज हो रहा है, देखो कूलर से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे देखो वाटर सीपेज हो रहा है, ऐसे सब जगह पे टॉप में भी आप हमेशा ऐसा एक प्लेट रखो जिसमें पानी जमा हो, और उस प्लेट में जैसे ही पानी जमा हो उसको फेंक दिए। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसी चीज़ों में आपको पानी रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप कंटिन्यूसली उसको फेंकते रहें। ठीक है, ओके, बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तुम क्यों आ रहे हो, क्यों 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 क्यों, बहुत तकलीफ है ये, उसका कुछ इलाज करके आते हैं, है ना, टेंशन मत लो। ओके, सो बेसिकली बाई कीपिंग आर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, तो क्लीन तो रखना ही पड़ेगा प्लस उसको ड्राई भी रखना पड़ेगा सराउंडिंग्स को। ठीक है, सो वी हैव टू कीप इट क्लीन एंड ड्राई। What else are people are? Some common human diseases caused by microorganisms. So, क्या क्या diseases cause होते हैं, देखो human diseases, causative microorganism, जैसे tuberculosis होती है, ये one of the largest killer diseases है। ठीक है, आज की तारीख में इसका इलाज तो है लेकिन जब तक ये identify होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, generally क्या होता है कि अगर किसी को normal सर्दी खांसी है तो doctor के पास जाता है, doctor उसको normal सर्दी खांसी की दवाई देता है। आपका जो अर्ली डायग्नोसिस होता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको डॉक्टर पहली बार देखता है तो आपका तुक्के पे इलाज करता है, तुक्के पे इलाज करेगा मतलब आपके कुछ सिम्टम्स देखेगा और आपको दवाई दे देगा। ठीक है, बाद में अगर कोई इंसान फिर से डॉक्टर के पास जा रहा है तब उसको डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, वगैरह वगैरह टेस्ट होगा, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, बिकॉज नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्टर ने जो आपकी डायग्नोसिस की और उसके हिसाब से जो आपको दवाई दी उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज इट, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म है टीबी। ठीक है, तो इसमें टीबी में होता क्या है भाई साहब, हमारे लंग्स में कंजेशन हो जाता है और लंग्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, एंड द पर्सन विल डाई इफ ही इज़ नॉट ट्रीटेड, ये किलर डिजीज़ है, द पर्सन इज गोइंग टू डाई इफ ही इज़ नॉट ट्रीटेड। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसा जमा हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियसली एयर, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है और वो खांस रहा है या छींक रहा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल बी ट्रांसफर्ड। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है, टीबी में जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो अर्ली डायग्नोसिस में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, अनटिल अनलेस भाई साहब वो प्रॉपर उसमें टेस्टिंग करे, तो अर्ली डायग्नोसिस में डॉक्टर को लगेगा कि भाई साहब ऐसी सर्दी खांसी है, लेकिन जब वो 3 हफ्ते की ज़्यादा हो जाती है खांसी और खांसी में खून आने लगता है, देन डेफिनेटली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड एंड प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। और हमारे गवर्नमेंट ने डॉट्स एक स्कीम लॉन्च की है, अगर कोई इंसान है जिसको टीबी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंडर डॉट स्कीम फ्री में इलाज करवा सकता है, और ये इलाज अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने तक चलता है। ठीक है, ये इलाज 6 महीने तक चलता है। ठीक है, इस कोर्स को पूरा करना रहता है वरना ये फिर से आएगा घूम के। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया फिर से डेवलप होंगे। ठीक है, ओके, सो ये बेसिकली हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं बाय द मीडियम ऑफ एयर। ठीक है, मीजल्स होता है, देखो मीजल्स ऐसे रैशेज आ जाते हैं पूरे बॉडी में। ठीक है, इट्स नॉट चिकन पॉक्स, इट्स मीजल्स। ठीक है, द एंटायर बॉडी हैज बेसिकली डेवलप्ड रैशेज ऑन नेक एंड फेस, स्कैटर्ड रैश ऑन ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, वायरस, भाई साहब वायरल डिजीजेस क्या क्या है, आपके एयर से फैलते हैं इसका। ठीक है, मीजल्स आपका कॉज होता है वायरस से, चिकन पॉक्स अगेन वायरस से कॉज होता है, हम सबको कहीं ना कहीं हो ही गया होगा, एयर से होता है, कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, इट गेट्स स्प्रेड आउट। ठीक है, और क्या है भाई साहब, आपका पोलियो, पोलियो इज़ बेसिकली वायरस एंड अगेन एयर एंड वाटर, कंटेमिनेटेड एयर और कंटेमिनेटेड वाटर में पोलियो होता है। हमारे अंदर पोलियो के वायरसेस जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, बट हमको हो नहीं रहा है क्योंकि हमने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। ठीक है, तो वी हैव बेसिकली टेकन वैक्सीनेशन बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर नॉट कंटेमिनेटिंग विद द डिजीजेस। ठीक है, ओके, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो करना क्या है, अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है किसी को तो पर्सन हैज़ टू बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जैसे हम बोलते हैं ना क्वारंटाइन, क्वारंटाइन मतलब तो समझते होंगे, कोरोना में जो हम मतलब किसी को अगर कोरोना हुआ है तो उसको अलग रखो, अलग रूम में रखो, वैसे ही अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो दैट पर्सन नीड्स टू बी केप्ट सेपरेटली क्वारंटाइन, दैट पर्सन नीड्स टू बी क्वारंटाइन। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन, कीप द पर्सन्स बिलोंगिंग
ऑफ द पेशेंट ऑलवेज अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स बिलोंगिंग्स, मतलब उसका टॉवल, उसके चद्दर, उसके जो डेली चीज़ें वो यूज़ करता है, टूथपेस्ट, उसका जो कपड़े जो यूज़ करता है, इन सब जगहों में बैक्टीरिया रहेगा, इन सब जगहों में बैक्टीरिया रहेगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली स्नीज करता रहेगा, ठीक है। जो बर्तन वो, जिस बर्तन में वो खाना खा रहा है, जिस ग्लास से वो पानी पी रहा है, सब में बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को अलग रखना है, उस इंसान को तो अलग रखना ही है, प्लस इन सब चीज़ों को भी अलग रखना है, बिकॉज इट इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़, बहुत ही कंटेजियस है ये, ठीक है, कंटेमिनेशन होगा ये। ओके, देन व्हाट वी हैव, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का तो हमको एक ही है भाई साहब, इसका तो वैक्सीनेशन हो जाता है, इंडिया में इसका एडिकेशन, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज, ठीक है, सूटेबल एज में वैक्सीनेशन मिलना चाहिए भाई साहब, ठीक है। कॉलेरा, कॉलेरा किससे कॉज होता है भाई साहब, बैक्टीरिया से। और ये कॉलेरा कहाँ से आता है, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड, खुली हुई चीज़ों को अगर आप खाते हैं, जो अनकवर्ड फूड है उसको खाते हैं, या कंटेमिनेटेड वाटर को, वाटर अगर आपने प्योरीफाई नहीं किया और उसको पी रहे हैं, तो इससे आपका कॉलेरा हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, ठीक है। टाइफॉइड, अगेन दिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ एंड इट स्प्रेड्स थ्रू वाटर, ठीक है, ये वाटर से स्प्रेड होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, वायरस और वाटर। हेपेटाइटिस ए जो होता है, जॉन्डिस, ये भी भाई साहब आपका स्प्रेड आउट होता है, ठीक है, इट बेसिकली गेट्स स्प्रेड आउट बाई वायरस, और ये वायरस से फैलता है पूरा पूरा, ठीक है, दिस गेट्स स्प्रेड आउट थ्रू वाटर। व्हाट डू वी हेल्प एल्स, मलेरिया, मलेरिया बेसिकली एक प्रोटोजोवा होता है, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, एक प्रोटोजोवा होता है, प्रोटोजोवा मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। जैसे ही एक मस्क्यूटो हमको बाइट करता है, वो प्रोटोजोवा हमारे अंदर जाता है, तो इसका मतलब जो मस्क्यूटो है वो भी मलेरिया से सफ़र कर रहा है, दैट मस्क्यूटो इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, दैट एंटर्स आवर बॉडी। सो ये हो गया आपका मलेरिया। व्हाट एल्स डू वी हैव पीपल, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, बहुत ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो मतलब जैसे सैनिटाइजर्स यूज़ करना, आपके हाथों को हर समय धोना खाने के पहले, ठीक है, ये सब सैनिटरी हैबिट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। टाइफॉइड इज स्प्रेड बाई बैक्टीरिया एंड बाई कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। सो कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, प्रॉपरली जो फूड कुक हुआ है, जो सही पानी है वो पीजिए, ठीक है। बाहर का खाना जितना कम खाएंगे उतने आपके ये सब डिजीजेस कम होंगे। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, जॉन्डिस होता है, ये भी वायरस से फैलता है, ये भी वाटर में आता है, ठीक है। सो दीज आर, ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर का कंजम्पशन जरूरी है, ठीक है, और वैक्सीनेटेड, इंसान वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ठीक है, द पर्सन शुड बी वैक्सीनेटेड। मलेरिया भाई साहब किससे फैलता है, प्रोटोजोवा से, एंड ये फैलता है भाई साहब मस्क्यूटो से, मस्क्यूटो के बाइट में क्या होता है भाई साहब, प्रोटोजोवा, ठीक है, और ये प्रोटोजोवा हमारे बॉडी में रिलीज होती है, दिस गेट्स रिलीज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। एंड मस्क्यूटो किससे क्या लेने आता है हमारे पास से, ब्लड, तो वो जो इंजेक्शन लगाता है प्रोबोस्किस, वो हमारे ब्लड में जाता है सीधा, तो ये जो आपका प्रोटोजोवा है ये भी सीधा हमारे ब्लड में चला जाता है, मेन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। कोई भी चीज़ अगर मेन ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है तो पूरे बॉडी में फैल जाएगी, तो मलेरिया के जो प्रोटोजोवंस हैं दे विल सर्कुलेट ऑल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, सर्कुलेट ऑल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। यूज़ मस्क्यूटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स, ठीक है, तो मस्क्यूटो नेट में लगाकर सोइए या रेपेलेंट्स यूज़ कीजिए, गुड नाइट वगैरह, ठीक है। तो आज की तारीख में तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रीडिंग मस्क्यूटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, तो वाटर को कहीं भी जमा मत होने दीजिए, ना ही अपने घर में और ना ही आजू बाजू, ठीक है। सम कॉमन एनिमल डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एनिमल्स में क्या क्या डिजीजेस होते हैं देखो, ठीक है, दीज आर सम कॉमन डिजीजेस विच आर कॉज, फॉर एग्जाम्पल रेबीज, अ डिजीज दैट अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक डॉग्स, एंड फुट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्ट्स कैटल। तो रेबीज ज़्यादा करके डॉग्स में होता है, ठीक है, आप बोलते हैं ना ये कुत्ता पागल हो गया है, ठीक है, अगर किसी कुत्ते ने आपको काटा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पागल है, ठीक है, पागल है मतलब उसमें रेबीज़ है। रेबीज़ एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होती है, किसी कभी सुना है किसी को रेबीज़ होते हुए, ठीक है। रेबीज़ का कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, इसका भी पोस्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको कुत्ते ने काटा है आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगाना है। ये वैक्सीनेशन पोस्ट आपका इन्फेक्शन से एक्सपोज होने के टाइम हुए, ठीक है, तो आपको भाई साहब ये इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं कुछ 3-4 दिन। हमारे टाइम पे तो भाई साहब बहुत खतरनाक होता था, हमको अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो उसको ये बड़ा इतना बड़ा इंजेक्शन होता था वो, और उसको लगता था भाई साहब पेट में 14 इंजेक्शन्स लगते थे, 14 इंजेक्शन्स पेट में, बहुत ही पेनफुल होता था वो, ठीक है, वो हॉर्स सीरम होता था और वो भाई साहब पेट में लगाया जाता था सीधा,
ठीक है। आज की तारीख में तो टुन्नू सा एक इंजेक्शन आता है, वो हाथ में लगाया जाता है, ठीक है। सो आज की तारीख में रेबीज़ का ट्रीटमेंट उतना पेनफुल नहीं है, बट द मोमेंट यू गेट बिटन बाय अ डॉग ऑलवेज विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ रेबीज, क्योंकि रेबीज़ बहुत ही खतरनाक और किलर डिजीज़ है। इसमें भाई साहब इंसान पागल हो जाता है, पागल हो जाता है मतलब उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कुत्तों को थोड़ा सा मतलब वाटर से परहेज़ है, दे आर नॉट वेरी मतलब पानी में डूबे हुए इंसान नहीं है वो, मतलब इंसान तो नहीं है, पानी में डूबे रहने वाले एनिमल्स नहीं है। तो जिनको रेबीज़ होता है उनको भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो पानी पिएंगे ही नहीं, पानी से नहाएंगे ही नहीं, पानी से उनको फोबिया हो जाता है एंड दे गो मैड। यहाँ तक कि मतलब उनको मतलब रेबीज़ के फाइनल स्टेजेस में इंसान इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि उसको भाई साहब बंद करके रखना पड़ता है, ही हैज़ टू बी टाइड अप, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। तो रेबीज़ एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, ये सलाइवा में रहता है, जो जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके सलाइवा में रहता है, और जैसे ही वो काटता है हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है, ये कैटल में होता है फुट एंड माउथ डिजीज़। जो लोग आपके वर्टिनरी डॉक्टर्स हैं, वीडीज़ हैं, ठीक है, वो उसको आइडेंटिफाई करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट टाइम पे हो, ठीक है। सो रेबीज़ वायरस होता है, देखो फुट एंड माउथ डिजीज़ का वायरस होता है। रेबीज़ एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल डिजीज़ कॉज्ड बाई वायरसेस। तो ये सारे आपके एनिमल डिजीज है। वायरस, ठीक है, इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाई बैक्टेरियम, ठीक है, इज अ डेंजरस ह्यूमन डिजीज कॉज बाई बैक्टेरियम। क्यूटनेस एंथ्रैक्स स्किन इन्फेक्शन, एंथ्रैक्स भाई साहब एक बहुत ही किलर डिजीज़ है। एक टाइम था एंथ्रैक्स एक्चुअली दिखता नहीं है, तो लोग क्या करते थे ना, मतलब जैसे टेररिस्ट लोग कैसे अटैक करते हैं, है ना, तो आज की तारीख में क्या है, बायो वॉरफेयर है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना कि चाइना ने ज़बरदस्ती कोरोना हमारे को दिया है, ठीक है। तो आज की तारीख में अगर लोगों को मारना है तो बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं है, कोई वायरस डाल दो भाई साहब, ठीक है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो कुछ सालों पहले अमेरिका में एंथ्रैक्स का अटैक हुआ था। एंथ्रैक्स का अटैक हुआ था मतलब अचानक भयानक में आपको मेल्स आ रहे थे, मेल्स मतलब वो पोस्ट आता है ना, ठीक है, चिट्ठी, वैसा चिट्ठी आ रहा था अचानक। उसको अगर एनवेलप को आप खोलेंगे, आप अंदर हाथ डालेंगे कुछ भी नहीं है, फिर हाथ बाहर निकालेंगे कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ आपके एड्रेस पे आया हुआ है। आपको लगेगा पता नहीं किसी ने गलती से भेजा रहेगा, आप उसको फेंक देंगे, लेकिन उसके अंदर एंथ्रैक्स वायरस है जो आपके हाथों में आ गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। सो कुछ सालों तक ये वॉरफेयर चलता रहा। सो इसीलिए मेल्स कुछ समय तक, जैसे मेल्स के लिए क्वारंटाइन मतलब पोस्ट ऑफिस कुछ समय के लिए बंद हो गया वहाँ पे, फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम पोस्ट ऑफिस वॉज एक्चुअली क्लोज्ड, ठीक है। सो ये एंथ्रैक्स वायरस है, और ये भाई साहब पूरे हाथों को छेद कर देगा ऐसा, ठीक है। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, इसको एंथ्रैक्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो ये आपके भाई साहब कैटल में भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो हैपन इन कैटल एज वेल, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, इनमें भी भाई साहब बहुत सारे डिजीज होते हैं, ठीक है। इफ़ यू लुक एट दिस, दीज आर डिजीजेज विच आर कॉज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आर वी लुकिंग एट दिस पीपल, ठीक है, ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल। बड़ी अच्छी आ रही है बेटा, ओके। वीट, राइस और पोटैटो में भी बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एज वेल, ठीक है, ओके। सो आप देखोगे भाई साहब ये सारे आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल दीज आर डिजीज कॉजिंग, तो आपके अलग अलग डिजीजेज यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली डिजीजेज। सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट डिजीजेज, सिट्रस कैंकर एक डिजीज है, ठीक है। देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है भाई साहब, बैक्टीरिया। सिट्रस कैंकर ज़्यादा करके आपके जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें होते हैं ये, ठीक है। सिट्रस कैंकर इज अ प्लांट डिजीज, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर दिस इज बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बेसिकली एयर, एयर से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड बाई एयर। रस्ट ऑफ वीट, तो आप देखोगे ये दिस इज बेसिकली वीट और इसमें रस्ट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया है, दिस इज बेसिकली बैक्टीरिया, एंड 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 एयर और सीड्स से ये जाता है भाई साहब, ठीक है। येल्लो वीन मोजाइक ऑफ बिंदी, ओखरा बोलते हैं, भिंडी में, बिंदी नहीं भाई साहब, भिंडी, 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 आई देखो भिंडी को बिंदी लिख दिया, ठीक है, ओके। ओकरा मतलब भिंडी होता है, ठीक है, इसमें आपका किस तरीके का होता है, येल्लो वीन, ऐसा येल्लो वीन दिखेगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली येल्लो वीन, येल्लो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी। ये सारे जो है आपके अलग अलग वायरसेस हमारे मेन फूड क्रॉप्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो जो लोग फार्मर्स होते हैं उनको इनका इलाज करना पड़ता है। बड़ी हंसी यार, यहाँ से रुकी नहीं, दो मिनट के बैठ के मैं रुक जाता हूँ, तो हंस ले आराम से, पेट भर के हंस ले, हंसा हंसा गुदगुदी करो भाई साहब को, थोड़ा सा गुदगुदी करो थोड़ा सा भाई साहब, हंस लिया, ओके, ठीक है। सो दीज आर ऑल वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। कैटरपिलर, देखो ये देखा होगा आपने,
कभी कभी सब्जी में भी आता है। ये क्या करता है, ये प्लांट्स के लीव्स को भाई साहब खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और इनकी इनके खाने की पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, सारा दिन खाते रहेंगे ये, ठीक है, दे विल कीप ऑन ईटिंग। अभी देखो लीव्स को अगर खाते रहेंगे तो लीव्स क्या है, लीव्स प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई साहब, उसी को अगर खा लोगे तो वैसे प्लांट के पास बचेगा क्या फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो ये आपका हो गया भाई साहब इंसेक्ट। ओके ओके ओके। फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट इज अ डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। भाई साहब उल्टा सीधा खा लिया आपने, पेट का बन गया बैंड, और फिर उल्टी उल्टी जो भी हो रही है वैसे, ठीक है। तो अगर आप फालतू चीज़ें खाएंगे तो ये होता है कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड लीड्स टू फूड पॉइजनिंग एंड दैट कुड रिजल्ट इन प्यूकिंग, स्टमक अपसेट, ठीक है, लूज मोशंस। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग एक सिम्टम है, ठीक है, सबको ही हुआ है हमको, ठीक है, और सर में दर्द रहता है क्योंकि गैस हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओके। सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, पेट में दर्द होता है, पेट दुखतो, ओके, फिर डायरिया, ठीक है, ठीक है। तो वी आर अंडरगोइंग लूज मोशंस, ठीक है। कभी कभी भाई साहब इंसान कोलैप्स भी कर सकता है, ठीक है, अगर सीवियर डायरिया का केस है तो इंसान कोलैप्स भी कर सकता है, क्योंकि उससे सारा पानी जो है और सारे सॉल्ट्स जो है वो निकल चुके हैं, सो द पर्सन माइट कोलैप्स एज वेल, ठीक है। भाई साहब अगर ऐसा डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी डिहाइड्रेशन, ठीक है, काफ़ी हेडेक होता है, आप नौसिया फील करते हैं, ठीक है, यू डोंट फील वेल बेसिकली, ठीक है, आपके बॉडी में इफेक्टिव एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। सो व्हाट डज इट लीड, इट लीड्स टू वीकनेस, क्योंकि आपके बॉडी से सारे जो इफेक्टिव सॉल्ट्स और इफेक्टिव जो पानी है वो निकल चुका है, सो ऑब्वियसली यू विल फील वीक, फटीग, मत थके हुए लगेंगे आप, एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम मतलब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वैसे भी नहीं करता है, ठीक है, बट जब आपका मतलब ये आपका होता है इस तरीके का चीज़, ठीक है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। यू विल बी एबसेंट इन स्कूल और मे बी इन क्लासेस सेइंग दैट यू आर नॉट वेल बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस, ठीक है, आपका बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कोप अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई साहब, फटीक, ठीक है, फटीक एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। फटीक मतलब आप बहुत थके हुए होंगे क्योंकि आपके बॉडी से इफेक्टिव सॉल्ट जा चुके हैं। दीज सिम्टम्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स इन फूड। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है या दूसरे टाइप के माइक्रोब्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू द इंजेशन ऑफ टॉक्सिन्स कंटेंट इन द फूड। तो हमारे फूड में जो एसिड कंटेंट है या हमारे फूड में जो बेसिकली जहरीला कंटेंट है उसके कंजम्पशन से भी हमारे अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द फूड। फूड पॉइजनिंग, तो ये आपका देखिए फूड पॉइजनिंग किस किस चीज़ के लिए होता है, क्लॉस्ट्रिडियम स्टैफिलोकोकस, तो ये आपका फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रिडियम। आप जब कोई कैन लाते हैं, समझ लो एक पेप्सी का कैन लाया आपने, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, आपने तो कैन खोला नहीं है लेकिन उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, उसके बाद वो फूड प्रोडक्ट बेचना गुनाह है और कंज्यूम तो आप कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, जो इस फूड को प्रिजर्व रखते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे उस डेट के बाद। तो जैसे ही उस डेट के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो इसमें क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया डेवलप होगा, और अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके अंदर भी ये क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जाएगा, ठीक है, एंड दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। तो आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें एक्सपायरी डेट का देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दवाइयों में ही नहीं दूसरी चीज़ों में भी हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम एंड स्टैफिलोकोकी एंड फंगाई एंड एस्परेगिलस कॉज फूड पॉइजनिंग। भाई साहब ये क्या कॉज करते हैं, दे कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग भाई साहब हो जाएगा, देखो स्टैफिलोकोकाई, ठीक है, दिस इज बेसिकली फूड पॉइजनिंग, एस्परेगिलस, ठीक है, तो ये सब आपके फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग। एक तो उसका तरीका जो बनाने का है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और उसको प्रॉपर ढक के स्टोर करना भी ज़रूरी है टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। सो अलग अलग तरीक़ों से हम भाई साहब फूड बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे अगर बनाएंगे तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये अलग अलग तरीक़ों से जो हम फूड बना रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। जैसे मीट है भाई साहब, अगर मीट आप खाते तो नहीं, नहीं खाते, ओके, तो मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, मीट एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑब्वियसली जिस एनिमल का मीट आप खा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे,
तो अगर आप उसको ठीक से रोस्ट नहीं करेंगे और ठीक से पकाएंगे नहीं, तो वो सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर में भी जाएंगे, ठीक है, क्लियर। सो किसी भी चीज़ को ठीक से पकाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इसको पकाते हैं उन सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम मर जाते हैं, हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे एंड दे विल मोस्टली डाई, ठीक है, दे विल मोस्टली डाई। फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से हम फूड को स्टोर करते हैं, कभी कभी फ्रिज में स्टोर करते हैं, कभी कभी भाई साहब ऐसे जार्स में स्टोर करते हैं। आप देखोगे जो अचार वगैरह होता है आपका, ठीक है, आप जार में उसको स्टोर करके रखते हैं, जार में अलग अलग तरीके के भाई साहब आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं लेते, ठीक है, 6-7 महीने आपके चल जाते हैं विदाउट एनी सडन, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज लेफ्ट, ठीक है, व्हेन फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब रेफ्रिजरेटर में नहीं है, ठीक है, कूलिंग नहीं है, अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही आपने रख दिया अगर बाहर तो ख़राब हो जाएगा। देखिए दही, इसको आप रेफ्रिजरेशन में रखिए ठीक रहेगा, बाहर रखेंगे तो भाई साहब ख़राब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर लगना चालू हो जाएंगे। सम टाइम मिस हैंडलिंग ऑल्सो अकर्स फूड पॉइजनिंग। कभी कभी भाई साहब जैसे हाथ में हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जब आप हाथ से उठा उठा के ऐसे फूड देते हो ना भाई साहब, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप एक ऐसा ही टेस्ट कर लो, घर में चावल तो बनता ही होगा, बनता है, सबके घर में चावल बनता है, ठीक है, उस चावल को आप स्पून से निकाल कर दूसरे को दे रहे हो, उसी चावल को आप हाथ घुसा के दूसरे को दो, तो आप क्या करो, चावल जो बना हुआ है उसको स्पून से निकाल कर एक प्लेट पर रखो और ऐसे हाथ से पकड़ कर एक प्लेट पर रखो, आप देखोगे जो जिसको आपने हाथ से निकाल के रखा है ना, वो वाले प्लेट में जो चावल है वो जल्दी सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर चले गए, ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन योर हैंड आर एक्चुअली गोइंग इनटू इट। तो इसको हम बोलते हैं मिस हैंडलिंग ऑफ फूड, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जो बड़े बड़े होटल्स में आपको स्पून से सर्व किया जाता है, ऐसे हाथ से उठा उठा के नहीं देते, ठीक है, स्पून से सर्व किया जाता है, दैट इज़ बेसिकली देयर, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज समटाइम्स मिस हैंडलिंग ऑल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग। आपने भाई साहब फलों को रख दिया है, अगर आप देखोगे मार्केट में जाओगे तो जो लोग फल वगैरह रखते हैं उसको पानी मारते रहते हैं, मक्खियों को भगाते रहते हैं, ऐसा करते रहेंगे पूरा टाइम, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे और वो सड़ना चालू हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम से ही, ठीक है, ओके। दोज हु हैंडल और प्रिपेयर फूड शुड वॉश देयर हैंड्स। तो उनको बराबर अपने हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली दे शुड बी वॉशिंग देयर हैंड्स, ठीक है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड, ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करने के लिए। ओके ओके ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड, स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल, ठीक है, एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। तो भाई साहब बैड स्मेल आ जाएगा, बैड टेस्ट भी हो जाएगा और इसका कलर भी क्या हो जाएगा भाई साहब, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो आप देखोगे भाई साहब ये सारे बैड टेस्ट बैड स्मेल आ जाएंगे एंड दे विल बी रेंडर्ड यूजलेस, वी विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम देम। तो फूड हमारा भाई साहब स्पॉइल हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली वी आर स्टडिंग द बैड इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, तो इससे एक बैड सा स्मेल आता है एंड बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर, तो इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है और कलर भी आपका चेंज हो जाता है। सो दीज आर सर्टेन इफेक्ट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड हैव। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में मतलब एक ऐसा रिएक्शन है कि वापस स्पॉइल्ड फूड अच्छा नहीं हो सकता, एक बार खाना सड़ गया तो वो फिर से सही नहीं हो सकता, एक बार अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाने को सड़ा दिया है तो वो फिर से सही नहीं हो सकता, ठीक है, इट कैन नॉट रिवर्स इटसेल्फ बैक। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट के एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे। आप एक टेस्टिंग कर लो अपने घर में, आपने समझ लो नमक को एक जार में रखा हुआ है, ठीक है, नमक जो आपके खाना बनाने में काम आता है, इसको आप खुला भी रखेंगे ना कुछ नहीं होगा, ये नमक खराब नहीं होगा, इट विल नॉट स्पॉयल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का जो एनवायरनमेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखता है। इसीलिए देखोगे अचार में जो सॉल्ट आप डालते हो, क्यों डालते हो, ताकि अचार प्रिजर्व रहे, इट इज़ अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। सॉल्ट हमारा क्या है भाई साहब, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, दिस इज बेसिकली अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ये चीज़ों को प्रिजर्व रखता है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ठीक है, आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और कुछ एडिबल ऑयल्स, अगर ऑयल्स भी देखोगे आप तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्ट डालते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स।
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. तो सोडियम बेंजोएट, इसका नाम याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है, ये आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं. प्रिजर्वेटिव्स मतलब जिनको हम फूड में ऐड करते हैं. कौन से फूड में ऐड करते हैं? जिनको हमको प्रिजर्व रखना है, फूड दैट वी नीड टू प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है. तो दीज आर बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स विच आर एडेड. दे आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक देयर स्पॉयलेज. अगर आप देखोगे जैम्स होते हैं आपका, या जो आपका सॉस होता है, या जो आपका अचार होता है, ये काफ़ी दिनों तक चलाते हैं आप, ठीक है. तो इसको हम कैसे चलाते हैं? ये प्रिजर्वेटिव्स इनमें एडेड रहते हैं. ये प्रिजर्वेटिव्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन फूड आइटम्स में फैलने नहीं देते, ठीक है. व्हाट आर दे? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट. कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एग्स. कभी आप फिश मार्केट में गए हैं? फिश मार्केट में तू तो रोज जाता होगा, नहीं? ओके. फिश मार्केट में अगर आप देखोगे, जो भी फिश रहता है उसको हम, मतलब जो लोग फिश बेचते हैं उसको सॉल्ट में कवर करके रखते हैं, बार बार ऐसा नमक लगाते रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मरा हुआ जानवर है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे ही, ठीक है. सो कॉमन सॉल्ट मतलब आपका जो नमक होता है आर यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. तो हम बहुत सालों से ऐसा यूज़ करते आए हैं. सॉल्ट के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा नहीं रह पाते, ठीक है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मीट हो गया या फिश हो गया, ठीक है, इसको हम ड्राई सॉल्ट से कवर करते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करने के लिए. क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला. आमला को देखो, आमला आपने देखा रहेगा, इसको सॉल्ट डालते हैं ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे. रॉ मैंगोस, कच्चे आम देखो, ठीक है, इसमें भी सॉल्ट डाल के रखते हैं. टैमरिंड, ठीक है, इसमें भी वैसा सॉल्ट डाल के रखते हैं ताकि ये सड़े ना, ठीक है. सॉल्ट का एनवायरनमेंट फैलने नहीं देता इनको. जैम्स में भी हम सॉल्ट डालते हैं, ठीक है. जेलीज, ठीक है, इन सब में, फ्रूट जूसेज में आर प्रिजर्व बाई शुगर. कहीं कहीं पर शुगर भी आपका एक प्रिजर्वेटिव है, शुगर भी आपका एक प्रिजर्वेटिव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लगने नहीं देगा, ठीक है. तो आप जब शुगर ऐड करते हो जेलीज में, फ्रूट जूसेस में, ठीक है, जैम्स में, तो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लगने नहीं देता, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड. ज़्यादा करके मॉइस्चर के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है. जैसे अभी बारिश आने वाली है तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक है, और इस मॉइस्चर के एनवायरनमेंट में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा पनपेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है. अगर आप भाई साहब किसी फूड में शुगर ऐड करते हैं तो शुगर क्या करता है भाई साहब, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उस फूड से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है. अगर वाटर कंटेंट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस फूड में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते कहाँ पे हैं, वाटर के एनवायरनमेंट में. इन ह्यूमिड कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सपैंड देयर ग्रोथ इन ह्यूमिड कंडीशंस. इफ यू ऐड शुगर, व्हाट विल हैपन, शुगर विल एक्चुअली अब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फूड एंड दिस विल नॉट अलाउ द वाटर टू बी देयर इन द फूड एंड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम दे विल नॉट गेट एनफ ऑफ वाटर टू स्प्रेड आउट, ठीक है, क्लियर है. तो आपने भाई साहब शुगर ऐड किया और इससे भाई साहब अब्सॉर्ब हो गया. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. जब हम ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये भाई साहब हम पिकल्स में जबरदस्ती का तेल डाल के रखते हैं तो बैक्टीरिया उसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है, तो तेल के एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया नहीं आता है. वेजिटेबल्स को देखो, हम ऐसे स्टोर करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. तेल में हम उनको डुबो के रखते हैं. अगर हम इसको तेल में डुबो के रखेंगे बैक्टीरियाज नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है, दे विल नॉट गेट इम्पैक्टेड बाय बैक्टीरिया. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. एक मैंने कोई तो मैंने अमेजन पे प्राइम पे एक सीरीज देखी थी, मतलब पागलपन वाला था, लेकिन उस सीरीज में वैसा ही था कि एक इंसान को मतलब डाल देते हैं सॉल्ट वाटर में और 100 साल बीत जाते हैं, उसके पोते हो गए हैं, वो फिर उसको निकालते हैं तो वो एकदम ताज़ा रहता है. ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, बट सॉल्ट के एनवायरनमेंट में होता क्या है कि आपके मॉइस्चर या बैक्टीरियल कंटेंट ज़्यादा नहीं होते. तो एक स्टोरी है बेसिकली, लेकिन सॉल्ट के एनवायरनमेंट में आपका मॉइस्चर या बैक्टीरिया नहीं लगता है, ठीक है. ओके, सो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स.
इसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। देखो मिल्क को अगर आप हीट करोगे और फटाफट कूल डाउन कर दोगे तो दो चीज़ें होंगी। देखो दो तरीके के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, एक दो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त ना कर पाए तो जैसे ही आप हीट करोगे वो बैक्टीरियाज मर जाएंगे, और जो कोल्ड टेम्परेचर्स को बर्दाश्त ना कर पाए तो जैसे ही आप इसको फटाक से कूल डाउन करोगे वो भी मर जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पास्चर, ठीक है। सो वॉट इट डिड वॉज ही ऑब्जर्व दैट वेन यू हीट मिल्क एंड वेन यू अलाउ इट टू कूल डाउन सडनली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल डाई एंड दिस विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ मिल्क। आप तक जो दूध पहुँचता है वो इसी मेथड से पहुँचता है, ठीक है। आप जो दूध कंज्यूम करते हो वो किसी भाई साहब खेती बाड़ी में भाई साहब उसको निकाला गया 3-4 दिन पहले, बट इट इज़ रीचिंग यू सेफ एंड सिक्योर। वाई? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव पास्चराइजेशन दैट हैज़ बीन डन फॉर दैट मिल्क, ठीक है। इफेक्टिव पास्चराइजेशन हुआ है, इसके वजह से वो मिल्क आपके पास इंटैक्ट और सही सही पहुँच रहा है, ठीक है। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है भाई साहब। वी कीप आर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जैसे हम इसको कूल करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कूल एनवायरमेंट में नहीं आ सकते, ठीक है। लो टेम्परेचर इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जब भी आपका टेम्परेचर लो होता है सो इट विल नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट एंड देन सडनली, ठीक है, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने मिल्क को हीट किया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड में और आपने फॉर 15 to 30 seconds, ठीक है, मिल्क को आप हीट कर रहे हो इस टेम्परेचर तक फॉर 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फटाक से उसको कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन कर दिया मतलब एकदम रेफ्रिजरेशन वाला कूल डाउन कर दिया। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, पहले आपने उसको हीट किया और फटाक से उसको कूल डाउन कर दिया, तो इससे क्या होगे, जो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट से मर जाते हैं वो मर जाएंगे, और जो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कूल टेम्परेचर से मरते हैं भाई साहब वो भी मर जाएंगे। सो मैक्सिमम बैक्टीरियाज विल डाई आउट, ठीक है। यू सडनली हीटिंग मीट मिल्क एंड देन सडनली कूलिंग इट विल किल बोथ टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड दिस विल रेंडर द मिल्क हार्मलेस एंड फिट टू कंज्यूम, ठीक है, ओके। सो बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन मिल्क, और मिल्क हमारे लिए स्पेशली इंडिया जो प्राइमरली एक वेजिटेरियन कंट्री है उसके लिए मिल्क एक मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। मिल्क या पनीर ये सब आपके मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो मिल्क को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसी तरह से हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। सो बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पास्चर, ठीक है, एंड दैट्स द रीज़न दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन। इसी के चलते भाई साहब आज आप कंफर्टेबली शहरों में रहते हुए भी गांव में जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो आप तक पहुंच रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पास्चराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। आप जो मिल्क का पैकेट घर से दुकान से घर लेकर आते हैं वो मिल्क का पैकेट भाई साहब जो मिल्क कंटेन करता है वो बहुत दिनों पहले निकाला गया है, 3-4 दिन पहले निकाला गया है, लेकिन वो सड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्लांट्स हैं मिल्क के प्लांट्स हैं वहाँ पे पास्चराइजेशन हुआ है, इसका इफेक्टिव पास्चराइजेशन हुआ है। इनका बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, हमारी आँखें ऐसे 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 बंद हो रही है। पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जो पास्चराइज मिल्क होता है जनरली देखिए मेरे हिसाब से बॉइल्ड मिल्क ही पीना अच्छा होता है, लेकिन आप पास्चराइज मिल्क को डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, आप उसको डायरेक्टली बॉटल से भी पी सकते हैं, ठीक है, विदाउट बॉइलिंग दैट इज कंसिडर्ड। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो अगर आप देखोगे ऐसे पन्नियों में आपने देखा रहेगा ये सील्ड एयर पैकेट्स हैं, इनमें एयर बहुत कम होता है क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स होता है। सो दीज सील्ड एयर पैकेट्स इंश्योर दैट देर इज़ नॉट एनफ ऑफ एयर दैट गोज इन टू दीज ड्राई फ्रूट्स या ऐसे जो आपके वेजिटेबल्स हैं, इनको हम एयर पैकेट्स में सेल इसलिए करते हैं ताकि ये दिखे अच्छा और प्लस इनमें माइक्रोब्स ना हो, ठीक है। एक मिनट बस सर, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, देखो द बैक्टीरियम मैंने आपको बोला था राइजो, ठीक है, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है भाई साहब, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पालक हो गया आपका, चिक पीज हो गए, ठीक है, ये सब राइजोबियम बैक्टीरिया कंटेन करते हैं।
इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनियस प्लांट्स, जो पल्सेस होते हैं आपके दाल वगैरह में प्रोटीन क्यों होता है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, एंड दीज नाइट्रेट्स आर अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, दे बेसिकली फॉर्म प्रोटीन्स. राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स, तो ऐसे रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, सच एज बीन्स एंड पीस विथ विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो राइजोबियम क्या करता है भाई साहब, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली प्रोटीन सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये इनको क्या देंगे, वॉट विल दे गिव, फूड, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आदान प्रदान का रिलेशनशिप. ये आपका एक प्लांट हो गया, ये उसके रूट्स हो गए, इन रूट्स में क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करेगा, ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, सोल्यूबल नाइट्रेट्स में, और ये प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेगा और प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है. तो प्लांट्स को तो भाई साहब प्रोटीन्स मिल गया, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया को वो क्या देगा, प्रिपेयर्ड फूड. सो आदान प्रदान वाला रिलेशनशिप है, प्लांट्स को इनसे प्रोटीन्स मिल रहा है और प्लांट्स से इनको क्या मिल रहा है, फूड. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आदान प्रदान वाला रिलेशनशिप, विच इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है. और इसका फायदा हम सब उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही चीज इस पे जा रहा है प्लांट्स पे, और प्लांट्स को हम खा रहे हैं या दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं जिनको हम खा रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज बेसिकली इट स्प्रेड इन द एंटायर फूड. अभी देखो जब बिजली कड़कती है, देखो अभी बरसात का मौसम आने वाला है, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. तो आपका जैसे ही लाइटनिंग होगा तो क्या होगा भाई साहब, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये, देखिए ये नाइट्रोजन क्या है, एयर में प्रेजेंट है, N2 में प्रेजेंट है ना. नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं भाई साहब, N2 लिखते हैं कि नहीं, दिस इज बेसिकली N2, और ये एयर में प्रेजेंट है. तो जब बिजली कड़कती तो होता क्या है भाई साहब, ये N2 उथल पुथल मचती है. ओहो रुद्राक्ष खड़ा देखो अपना, ठीक है. बट इन यू दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये भाई साहब कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें कुछ भी कम नहीं होता है, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. यू मे वंडर हाउ, कैसे होता होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है. आवर एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है भाई साहब, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 70, एंड इट रिमेन्स द सेम वे. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबको जरूरत है ये, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज DNA और RNA, क्लोरोफिल एंड सम वाइटामिन्स. हमारे अंदर नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन्स का बनना. जब तक प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तब तक मस्कुलर ग्रोथ नहीं होगा. कोई भी सेल का डिवीजन आपका होता है नाइट्रोजन के प्रेजेंस से. तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड सम वाइटामिन्स, नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये नाइट्रोजन अनफॉर्चुनेटली हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स कर सकते हैं और ना ही एनिमल्स कर सकते हैं. सिर्फ छोटे छोटे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ये कर सकते हैं, दे आर ओनली स्मॉल बैक्टीरियाज विच कैन डू दिस, ठीक है. सो नाइट्रोजन से क्या बनता है भाई साहब, प्रोटीन्स बनता है, और क्या बनता है भाई साहब, ये आपके DNA है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, DNA एंड RNA, क्लोरोफिल बनता है जो प्लांट्स में होता है जिससे फूड की सिंथेसिस होती है, ठीक है, एंड सम विटामिन्स इससे बनता है भाई साहब, नाइट्रोजन से, ठीक है. सो दीज आर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ओ नाइट्रोजन, ठीक है, फिर से आ गए तुम. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कोई भी प्लांट या एनिमल उसको डायरेक्टली नहीं ले सकता है, उसके लिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी. और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और क्या हो जाएगा, एजिटो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं. बाकी हम और छोटे छोटे प्लांट्स और बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े एनिमल्स तक, वी आर नॉट केपेबल टू अब्सॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है. वी हैव टू रिलाई ऑन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द इनटेक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इन टू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. सो भाई साहब ये क्या कर देंगे भाई साहब, दे विल कन्वर्ट इट इन टू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट इट इन टू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, दे विल कन्वर्ट इन टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और ये भाई साहब अब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. तो ये भाई साहब रूट सिस्टम से अब्सॉर्ब हो जाएगा. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स.
फिर हम उससे क्या बनाएंगे भाई साहब, प्लांट प्रोटीन बनेगा एंड अदर कंपाउंड्स विल बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जितने भी आपके एनिमल्स हैं जो इन प्लांट्स को फीड करते हैं उनके अंदर ये नाइट्रोजन जाता है, और उन एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स फीड करते हैं उनके अंदर भी ये प्रोटीन्स जाता है, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट दीज नाइट्रोजनस वेट्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक है। जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल, तो ये भाई साहब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दीज कन्वर्टेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अगेन फ्रॉम द सॉइल एंड आर यूज बाय देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये फिर से भाई साहब अब्सॉर्ब हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन का साइकिल जो है तो चलता ही रहता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ द नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स। तो आप देखो ये सारे अब्सॉर्ब हो गए प्लांट्स में, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इन टू द एटमोसफियर। थोड़े बहुत ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इसको वापस एटमोसफियर में भेज देते हैं, वापस इन कंपाउंड्स को एटमोसफियर में भेज देते हैं। तो एटमोसफियर से लेना और फिर इसको वापस करना, ये साइकिल आपका भाई साहब चलता ही रहता है, दिस साइकिल कीप्स ऑन हैपनिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, खत्म कैसे हो गया रे, कैसे खत्म हो गया रे, सिक्सटी थ्री भी क्यों खत्म हो गया। अच्छा ये रिपीट है, ओके ये पढ़ा क्या हमने, तो 63 का 73 क्यों दिखा रहा है, एक मिनट रुक जा भाई साहब।